हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल अड्डा। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो है डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि एनआरए क्या है और एनआरए के माध्यम से कौन कौन से जो भर्तियां होती थी, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक, आईबीपीएस, यूपीएससी, इनमें से कौन कौन से एग्ज़ाम जो है इसमें समाहित तो होगी और इसके एनआरए के माध्यम से लिया जाएगा। और जैसा कि आप लोग इस नोटिस में देख पा रहे होंगे कि एनआरए को जो है मंजूरी दे गई है 19 अगस्त 2020 को, यानी 15 अगस्त के बाद जो है मंजूरी दे दी गई है। और जो एनआरए जो एग्ज़ाम कराएगी वो 12 लैंग्वेजों में कराएगी, जैसे कि पहले इंग्लिश और हिंदी में ही होती है। और इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि रेलवे के कौन कौन से पोस्ट ग्रुप डी, एसएससी ग्रुप डी और एनटीपीसी और टेक्नीशियन एएलपी, इनमें से कौन कौन से पोस्ट जो है एनआरए कराएगी। क्योंकि एनआरए अगर एग्ज़ाम कराएगी तो इसमें है कि इंग्लिश का पेपर भी होगा, इंग्लिश पेपर, क्योंकि रेलवे की तैयारी करने वाले दोस्तों को इससे क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान होंगे आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप यदि हमारे चैनल पर न्यू हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें देख पा रहे होंगे कि यूनियन कैबिनेट अप्रूव सेटिंग अप ऑफ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट टू रिप्लेस मल्टीपल एग्जामिनेशन ऑफ रिक्रूटमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशन टू हेल्ड ऑन इन 12 इंडियन लैंग्वेज। मतलब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय भाषाओं में आयोजित होने वाली केंद्रीय सरकार की नौकरियाँ यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब परीक्षा में भर्ती के लिए कई परीक्षाओं को बदलने के लिए एक नई राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की स्थापना को मंजूरी दे दिया गया है। और इसमें है और जो तिथि है 19 अगस्त शाम 5 बजे जो है ये दिया गया है, मंजूरी दिया गया है यूनियन कैबिनेट मंत्री के यूनियन कैबिनेट में। नेक्स्ट है द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टुडे अप्रूव द प्रपोजल टू सेट अप नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए यानी मार्किंग ए पैराडाइम शिफ्ट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए के गठन को प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, जो भारतीय सरकारी भर्ती में एक बदलाव है, जो कि भारत की सरकारी जॉब भर्ती में एक बहुत बड़ी बदलाव है, ये इस लाइन में बताया गया है। एट प्रेजेंट कैंडिडेट सीकिंग गवर्नमेंट जॉब हैव टू अपीयर फॉर सेपरेट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय मल्टीपल रिक्रूटिंग एजेंसी फॉर वेरियस पोस्ट। कैंडिडेट हैव टू पे फी टू मल्टीपल रिक्रूटिंग एजेंसी एंड ऑल्सो हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस फॉर अपीयरिंग इन वेरियस एग्जाम। इसमें बोला जा रहा है कि वर्तमान में सरकारी नौकरियों की तलाश करने वाले स्टूडेंट जो है विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए उस एजेंसी को विभिन्न अलग अलग परीक्षाओं में उपस्थित होना पड़ता था और उसका जो है शुल्क भी देना पड़ता था यानी एग्ज़ाम फी भी देना पड़ता था और वह उस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के लिए लंबी दूरी तक ट्रेवल करना पड़ता था, ये बोला जा रहा है इस पॉइंट में। नेक्स्ट जो पॉइंट है, अप्रोक्सीमेटली 1.25 लाख गवर्नमेंट जॉब आर एडवर्टाइज्ड एवरी ईयर। मतलब हर साल 1.25 लाख जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए जो है एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है, विच 2.5 करोड़ अपियरिंग एस्पिरेंट्स अपियर इन वेरियस एग्जामिनेशन, यानी कि 2.5 लाख जो है उसमें प्रेजेंट होते हैं, अपियर होते हैं एग्जाम के लिए। ए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट वुड एनेबल दिस कैंडिडेट टू अपियर वंस एंड अप्लाई टू एनी और ऑल दिस रिक्रूटमेंट एजेंसी फॉर द हायर लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब हर साल जो है 1.25 लाख सरकारी नौकरियों के लिए विज्ञापित की जाती है और 2.5 करोड़ उम्मीदवार जो है परीक्षाओं में उपस्थित होते हैं और एक सामान्य पात्रता परीक्षा इन उम्मीदवारों को एक बार दिखाई देने और उच्च स्तर की परीक्षा के लिए इनमें से किसी भी या सभी भर्ती एजेंसियों पर लागू करने में सक्षम होगी, यानी मतलब एक एग्ज़ाम देने से जो है उसके थ्रू अन्य अन्य पोस्टों पे जो है भर्ती की जाएगी।
नेक्स्ट है द NRA विल कंडक्ट द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट टू नॉन ग्रेजुएटेड पोस्ट इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक दिस टेस्ट एम्स टू रिप्लेस मल्टीपल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाई डिफरेंट रिक्रूटिंग एजेंसी फॉर सेलेक्शन टू गवर्नमेंट जॉब एडवर्टाइज ईच ईयर विथ सिंगल ऑनलाइन टेस्ट। इस मतलब NRA सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक में या गैर राजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए साझा पत्रता यानी CBCIT कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करेगा। मतलब NRA में जो है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करेगा। इस परीक्षा का उद्देश्य प्रत्येक वर्ष विज्ञापित सरकारी नौकरियों में जो है एकल ऑनलाइन परीक्षा के साथ विभिन्न भर्ती एजेंसियों द्वारा आयोजित कई परीक्षाओं को बदलना है। मतलब एक एग्जाम देने से आप कई भर्तियों के लिए जो है एलिजिबल हो जाएंगे उस पोस्ट के लिए। तो इसमें यही एक इम्पोर्टेंट है कि एक एग्ज़ाम देने से आप बैंक रेलवे SSC के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। और आगे है साइलेंट फीचर्स, मतलब मुख्य विशेषताएं इस NRA के क्या है या इसके बारे में जानते हैं। द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट विल बी हेल्ड ट्वाइस ए ईयर, यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है साल भर में दो बार आयोजित किया जाएगी। नेक्स्ट है देयर विल बी डिफरेंट CET फॉर ग्रेजुएट लेवल 12th पास एंड लेवल एंड 10th पास लेवल टू फैकल्टी रिक्रूटमेंट टू वैकेंसी एट वेरियस पोस्ट। मतलब विभिन्न स्तरों पर रिक्तियां की भर्ती के लिए स्नातक पास और 12th पास और 10th पास के लिए अलग अलग CIT होंगे। मतलब जो साल भर में दो बार जो है इसका एग्जाम हो जाएगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का CET का दो बार होगा साल भर में। और CET जो एग्ज़ाम देगा स्टूडेंट लोग देंगे वो ग्रेजुएशन लेवल पर देंगे, 12th लेवल पर और 10th लेवल का अलग अलग रहेगा CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर 1 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए जो कि रहेगा। नेक्स्ट है द CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट विल बी कंडक्ट इन 12 मेजर इंडियन लैंग्वेज, मतलब 12 लैंग्वेज में कंडक्ट कराएगी। दिस इज मेजर चेंजेस इज हाइथरीटो एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब वेयर हेल्ड ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी। जैसा कि पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब के लिए जो एग्ज़ाम होता था वो इंग्लिश और हिंदी दो ही लैंग्वेजों में होती थी, अब 12 लैंग्वेजों में होगी। नेक्स्ट है टू बिगिन विथ CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट विल कवर रिक्रूटमेंट मेड बाय द 3 एजेंसी विज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। दिस विल बी एक्सपेंडेड इन द फेज मैनर, मतलब चूँकि परीक्षा हर जिले में आयोजित की जाएगी और इसके लिए उम्मीदवारों को जो है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के साथ ही जो है तीन एजेंसियां द्वारा की गई भर्तियां जैसे कि रेलवे SSC और बैंक कर्मिक चयन संस्थान इसे चरणबद्ध तरीके से विस्तृत किया जाएगा। मतलब तीन एजेंसियां जो है इसमें एग्जाम से रिलेटेड जो है आयोजित करेगी। नेक्स्ट है नेक्स्ट लाइन में जो बोला जा रहा है CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट विल बी हेल्ड ऑन 1000 सेंटर अक्रॉस इंडिया। मतलब इस लाइन में जो बोला जा रहा है कि वर्तमान में प्रचलित जो शहरों में जो 1000 केंद्रों पर CIT आयोजित की जाएगी और देश के हर जिले में परीक्षा केंद्र होगा। 117 स्पेशल जिले में परीक्षा की बुनियादी ढांचे बनाने पर जोर दिया जाएगा। मतलब NRA गठित करने के बाद जो है वो जिले वाइज और शहर में 1000 केंद्रों पर और जिले वाइज भी सेंटर एग्जाम का बनाया जाएगा। CET विल बी फर्स्ट लेवल टेस्ट शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट एंड स्कोर विल बी वैलिड फॉर 3 ईयर। मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी का जो टेस्ट रहेगा उसका प्रथम स्तर का वो परीक्षा 3 साल के लिए वैलिड रहेगा, 3 ईयर के लिए। यानी मतलब एक बार एग्जाम देंगे तो वो आपका 3 साल के लिए वैलिड रहेगा और वैकेंसी निकलेगी तो आप उसमें भर्ती हो पाएंगे आपके नंबर के अनुसार।
नेक्स्ट जो लाइन में बोला जा रहा है, देयर शैल बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट टू बी टेकन बाय कैंडिडेट अपीयर टू सीट। मतलब इस पॉइंट में बोला जा रहा है कि ऊपरी आयु सीमा के अधीन CIT में उपस्थित होने के लिए उम्मीदवार द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा। मतलब एग्जाम के जो देते हैं बार बार, उस पर कोई भी डिफेक्ट नहीं पड़ेगा और मौजूदा नियमों के अनुसार SC ST OBC को छूट दी जाएगी जैसा पहले दिया जाता था। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ स्टूडेंट के लिए क्या जो है अच्छा रहेगा या लाभ रहेगा, मतलब एडवांटेज रहेगा स्टूडेंट के लिए। तो रिमूव द हैसल्स ऑफ अपियरिंग इन मल्टीपल एग्जाम, मतलब कई परीक्षाओं में उपस्थित होने की परेशानी को दूर करता है यह NRA। नेक्स्ट है सिंगल एग्जामिनेशन फी वुड रिड्यूस फाइनेंशियल बर्डन दैट मल्टीपल एग्जाम इम्पोज्ड, मतलब एकल परीक्षा शुल्क वित्तीय बोझ को भी कम करेगा, यानी पैसे भी कम खर्च होंगे इसके माध्यम से। सिंस एग्जाम विल हेल्ड एवरी डिस्ट्रिक्ट, मतलब इस पॉइंट में बोला जा रहा है क्योंकि परीक्षा हर जिले में आयोजित की जाएगी, इसलिए उम्मीदवारों के लिए यात्रा और रहने की लागत भी बचेगी और अपने स्वयं के जिले में परीक्षा अधिक से अधिक महिलाओं उम्मीदवारों को जो है नौकरियां के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगी। मतलब महिलाओं को जो है एग्ज़ाम के लिए प्रोत्साहन मिलेगी क्योंकि उनके ज़िले में एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराई जाएगी, जैसा कि इसमें बोला जा रहा है हर ज़िले में। एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ए सिंगल रजिस्ट्रेशन पोर्टल, मतलब आवेदक को एक ही पंजीकरण पोर्टल पे पंजीकरण करना होगा यानी रजिस्ट्रेशन करना होगा। नो नीड टू वोरी अबाउट क्लैशिंग ऑफ एग्जामिनेशन डेट, परीक्षा की तिथि जो लड़ जाती थी डेट बाय डेट, मतलब एक परीक्षा के साथ दूसरे परीक्षा जो लड़ जाती थी, टकराव हो जाता था, उससे जो है छुटकारा मिल जाएगा। अब एडवांटेज ऑफ इंस्टीट्यूशन, मतलब संस्थानों के लिए क्या लाभ होंगे इससे लाभ होगा कि उम्मीदवारों की प्रारंभिक रिमूव द हैसल ऑफ कंडक्टिंग प्राइमरी स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ कैंडिडेट, उम्मीदवारों की प्रारंभिक जो है परीक्षा आयोजित कराई जाएगी, उस परेशानी को दूर हो जाएगी। ड्रेस्टिकली रिड्यूस द रिक्वायरमेंट साइकिल, मतलब परीक्षा के जो बार बार लिया जाता है उसका जो अवधि होता है चक्र, वो समाप्त कर दिया जाएगा। इससे परीक्षा पैटर्न में भी मतलब कि कुछ चेंजेस होगा। रिड्यूस कॉस्ट ऑफ डिफरेंट रिक्रूटिंग एजेंसी ₹600 करोड़ सेविंग एक्सपेक्टेड, मतलब कि विभिन्न भारतीय एजेंसियों के लिए लागत कम करेगा और 600 करोड़ रुपए की यहां पे बचत होगी, 600 करोड़ रुपए की बचत होगी इस माध्यम से एग्ज़ाम कंडक्ट कराने से। तो NRA के माध्यम में जो यहां पे बताया गया है कि तीन, जैसे रेलवे रिक्वायरमेंट, यहां SSC रेलवे रिक्वायरमेंट और बैंक से रिलेटेड जो भी जॉब निकलती थी वो NRA अब कराएगी, रेलवे, बैंक और SSC। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दिक्कतें रेलवे के स्टूडेंट जो अभी पहले से तैयारी करते आ रहे हैं उनको दिक्कतें यहाँ पे आएंगी क्योंकि नया नया सिलेबस आएगा, उसमें जो है इंग्लिश पेपर तो रहेगा ही क्योंकि SSC बैंक रेलवे के सारे स्टूडेंट जब भाग लेंगे तो इसमें इंग्लिश ज़रूर ही रहेगा, जो कि रेलवे की तैयारी कर रहे स्टूडेंटों के लिए डिसएडवांटेज है, यानी कि नुकसान है, जो कि वर्षों से इंग्लिश छोड़कर जो है इनका सिलेबस अलग था। और इसमें फ़ायदा उन लोगों को होगा जो SSC बैंक और अन्य तैयारियां करते थे। तो फ्रेंड्स इसमें जो है, और जो जैसे कि अप्रेंटिस कर रहे हैं स्टूडेंटों के लिए भी ये जो है लाभ नहीं होगा क्योंकि वो तो इंग्लिश की तैयारी तो करते नहीं थे, तो यहाँ पे टेक्निकल की तैयारी पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं ITI वाले स्टूडेंट। अब उनको जो है नया सिलेबस दिया जाएगा इंग्लिश, तो इंग्लिश में फ्रेंड्स रेलवे की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को जो है दिक्कतें यहाँ पे आएंगी। इस नोटिस में एक और डिसएडवांटेज है फ्रेंड्स की जो एग्ज़ाम कराएगी और इस माध्यम से जो कट ऑफ बनेगा वो SSC रेलवे और बैंक के स्टूडेंट को नंबर, यानी कितना नंबर लाएंगे उनके अनुसार कट ऑफ भी बनेगा। तो यहाँ पे
ये भी डिसएडवांटेज है रेलवे स्टूडेंट के लिए कि उनको दिक्कतें होंगी। और ये जो आप नोटिस मैं लेकर आया हूँ फ्रेंड्स, ये ऑफिशियल नोटिस है, यूनियन कैबिनेट के द्वारा जारी किया गया था। तो इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो धन्यवाद फ्रेंड्स।